एक बार फिर दिखा दो रमजान में मदीना, बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का, बेशक जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं कि आज हम काइट डे और मियां मोहम्मद नवाज की डे के सिलसिले में, यौमे पैदाइश के सिलसिले में इकट्ठे हुए हैं। मेरे ख्याल से दो बातें मुश्तरक हैं दोनों। मोहतरम मेहमान है खुसूसी जनाब शेख कैसर महमूद साहब, साहिब सदर और मेरे तमाम साथियों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, प्रोग्राम भी बहुत होते रहते हैं, बातें भी बहुत होती रहती हैं, तकरीरें भी बहुत होती रहती हैं, लेकिन यकीन जाने आज हम जिस अच्छे मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं वो इतनी ज़बरदस्त महफल के लिए इकट्ठे हुए हैं, ये एक बहुत हमारे लिए पैसे इज्जत है। दोस्तों, थोड़ा सा पीछे जाएं अगर, आज का दिन दो अजीम हस्तियों का जन्मदिन, यौमे विलादत, उनकी पैदाइश का दिन, दोनों काय जिनकी जिंदगी का मकसद एक, जिनके काम एक जैसे, और जिन्होंने अपनी जिंदगियों का मकसद जो है वो हम लोगों के लिए उस मम्मी साहब और मम्मा साहब और तमाम तामीन का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज जिस वजह से हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो दो बड़े सियासी रहनुमाओं की वलादत का दिन है, उनकी पैदाइश, उनकी सालगिरह का दिन है। जैसे कि काजी आजम ने फरमाया था कि कौमों की तरक्की जज्बा से नहीं, फिक्र से होती है, और जब तक हम फिक्र नहीं करेंगे तो हमारी कौम कभी भी तरक्की नहीं होगा। और तो प्रैक्टिस के सर, बातें तो करते हैं लीडर लीडर, हम तो एक भट्ट साहब ने पहले बोल दिया है शर्मीले हैं तो बात करना तो लीडरों का काम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई हैं, कायदे आज़म उनका जन्मदे हैं और हमारे कायदे मोहतरम नवाज शरीफ साहब का दिन है, इसलिए हम सब ये इकट्ठे हुए हैं। तो मेरी सबसे एक दरख्वास्त है जो मैं करना चाह रहा हूँ कि हमारे और मौजूद मेहमान इकराम और मेरे मुसलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम। तमाम हाजरीन महफल को मैं जो मेरे समेत मुझ समेत कायदीन की जो मैं उलाद की मुबारकबाद देता हूँ, और जो हम जो मैं उलादत कायदीन की मना रहे हैं, ये वो कायदीन है जो मेवारा ने कौम और मेवारा ने मिलत है। उन कौमों का शुमार जिंदा कौमों में होता है जो अपने अपने विलादत में, जैसे हमारे साथियों ने कहा है, ये कहल करना चाहिए कि कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया इसलिए नहीं कि उसको गुलामी में या उसमें आमरियत हो, इसलिए कि उसमें आज़ादी हो, उसमें खुद मुख्तारी हो और सबके लिए आज़ादी से हो। और आज पाकिस्तान जिस लड़ाई पे खड़ा है उसमें से उसको एक इंकलाब चाहिए, और इंकलाब कौन ला सकता है कि हमारी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग की एक ऐसी भाई जमात लीड है कि आप इतनी इतनी दूर से लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर रहे हैं। भट्ट साहब ने भी आप दोस्तों को पूछा है कि तकरीबों से बहुत तो नहीं हो रहे, तो सिर्फ चार आवाज़ें आई थी, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता और मैं सब आपका आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जनरल सेक्रेटरी शेख यासर महमूद साहब, मुस्लिम लीग गुरु, मलिक महमूद आवान साहब,
सहयोगता का शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई किसी दूसरे को चीज लाए सबका बहुत शुक्रिया। कहने के लिए तो कुछ बचे ही नहीं, सब दोस्तों ने गाइड के लिए हर अच्छे से अच्छे साल यूज किए, ठीक है, इसलिए